नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर दर्शनलिस्ट यूट्यूब चैनल में मैं विवेक उपाध्याय सुजानगंज जौनपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज के इस नए वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि लो टनल किस प्रकार से तैयार किया जाता है। यहां पे मैंने लौकी की अगेती सब्जी लगाई है और उस पर मैंने लो टनल लगाया है, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से आप लो टनल लगा करके अगेती सब्जी करके अच्छा आमदनी अर्जित कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये क्रॉप कवर जिसे बोलते हैं हम पॉलीथीन, ये नॉर्मली मार्केट में मिल जाती है 18-20 रुपए मीटर के हिसाब से ये पॉलीथीन मिलती है मार्केट में। बहुत पतली पॉलीथीन है और ये आप जो देख रहे हैं ये रॉड, ये इसको बोलते हैं फाइबर स्टिक, और यह मार्केट में ये भी मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन सर्च करके इसको मंगा सकते हैं। ये 18-20 रुपए में ये स्टिक मिल जाती है और 20 रुपए मीटर के हिसाब से ये है पॉलीथीन मिल जाती है काफ़ी। उसके बाद इस जो एक स्टिक से दूसरे स्टिक के बीच हमने गैप 7 फीट का रखा है और इसको एक सहारा देने के लिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की रस्सी बांधी हुई है। और आगे आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये लगाया गया है। इसको मैंने यहाँ मिट्टी से ढका है ताकि इसमें हीट जनरेट होती रहे, और साथ ही साथ आप क्लिप भी लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। ये क्लिप भी मिल जाती है ऑनलाइन, तो यहाँ पे लगाने से ये बढ़ा रहता है, हवा वगैरह आने पे उड़ता नहीं है। मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे लौकी की फसल ग्रोथ कर रही है। ये देखिए, मैं खोल के दिखा रहा हूँ, लौकी की फसल लगाई गई है। मैंने पौधा तैयार किया था प्रोट्रे में, उसके बाद मैंने ये तैयार किया है। इसके अंदर काफ़ी गर्मी है, इसके खोलने से आभास हो रहा है। बाहर की जो तापमान होता है उससे 4 डिग्री का अंतर रहता है। इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि क्रॉप कवर लगाने से अंदर हीट जनरेट होता है। दूसरी चीज, जो पाले की समस्या आती है अगेती सब्जियों में, वो भी नहीं आती है। ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए हम क्रॉप कवर लगा के अगेती सब्जी उगाएंगे तो हमें मार्केट रेट अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, यह जो हम क्रॉप कवर करते हैं, इसके लिए एक क्रॉप कवर भी आता है, उसका आप यूज कर सकते हैं, वो सस्ता पड़ता है। और ये पॉलीथीन भी आप यूज कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा धूप तो होती नहीं है ठंड के महीने में, इसलिए इसको हटाते नहीं हैं, हम हमेशा लगे रहने देते हैं इसी प्रकार से। और आंधी वगैरह ज़्यादा तेज़ चलती नहीं है, हवा तो फटने का भी डर नहीं है। ये केवल ठंडी में यूज होगा, उसके बाद हम इसको निकाल के रख लेंगे। फाइबर स्टिक जो है काफ़ी मजबूत होती है, ये 8 से 10 साल आराम से चल जाती है। और प्लास्टिक भी एक दो तीन बार हम यूज ही कर लेते हैं। और इसमें जो पॉली जो लो टनल है, इसको बनाने से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है, जिसकी मदद से इसमें हीट पैदा होती है। और हीट पैदा होगी तो ठंडी में हमारी जो फसल है आगे होगी, ज़्यादा उसका विकास होगा। तो जब तक किसान खुले खेत में, ओपन फील्ड में जब खेती करते हैं, तो उनकी जब फसल लगाएंगे तब तक हमारी फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुकी होगी और आगे इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारे किसानों को अगर खेती में अच्छा पैसा कमाना है तो उन्हें इस प्रकार से कुछ नया जुगाड़ करके नई तकनीकों को अपनाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह तरीका पता था क्या, और अगर पता था तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके के जानकारी के साथ हम आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो कोई आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।